देखिए आप समझ सकते हैं कि यूएसए में, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में एक दर्दनाक हादसा हो जाता है जिसमें करनाल के बस्तली गांव के रहने वाले अशोक उर्फ शोकी, जो एक जो है खिलाड़ी भी थे, पहलवान भी थे, उनकी मौत हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि परिवार में तीन तीन बच्चे बताए जा रहे हैं, दो छोटे छोटे लड़के बताए जा रहे हैं, एक लड़की बताई जा रही है, और शायद वो अपने पिता के फ़ोन का इंतज़ार करते रहे लेकिन पिता का फ़ोन जो है अब नहीं आएगा। बताया ये जा रहा है कि कैलिफोर्निया में ही अपने एक दोस्त के साथ, जो कैथल किबुची गांव का लड़का बताया जा रहा है, उसके साथ काम के लिए जो है निकले थे अशोक, और मेन रोड पर जो है एक अचानक से एक गाड़ी टक्कर मार देती है। इस हादसे में दोनों को चोटें आती है लेकिन अशोक को जो है बहुत गंभीर चोटें आई हैं जिस कारण जो है अशोक की मौत हो जाती है। हालाँकि वहाँ की पुलिस ने जो शव है वो मॉर्चरी हाउस में रखवा दिया है। आप समझ सकते हैं कि शव को यदि भारत भी लाया जाता है तो भी 30 से 35 लाख रुपये तक का खर्च आता है। और पहले ही बताया जा रहा है जो अशोक है उनके माता पिता नहीं हैं, जो परिवार है वो कहीं ना कहीं चाचा और ताऊ वगैरह जो हैं वो लोग ही उनके पास ही जो है परिवार रहते हैं, उनकी बीवी भी हैं। और कोई बात हुई थी, कुछ बताया था आना है उन्हें वापस, करवा चौथ पे हुई थी बस। बस करवा चौथ पे लास्ट बात हुई है, परसों बैठे ना करी थी बात, परसों बैठे ना करी, बाहर था उस टाइम। लगता है कि इतना कर्जा लेके गए थे अभी तो वो भी नहीं उतरा ना, खेत भी नहीं लिया मारा तो, हाथ फूटी, सारी चीज दरी थी मार तो। बच्चे छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, वो तो खड़ा हो बाहर खेल लो तो। 6 साल का लड़का, 9 साल की लड़की है, छोरी तो बुआ का एक, ये मामा का, हम तो रंदे भी कौन है। अब अपने घर रहते हैं, घर पूरा कौन था, ये बाण मेरे ननदा उसकी बाण सो की के किया, ये किया बेटी, कुछ कर्ज भी है अभी ऊपर, सारे ही नहीं वो कोई मन पके आज देखिए। काफ़ी ज़्यादा जो है परिवार की हालत बुरी है और रो रो कर उनका बुरा हाल है। कुछ कहना चाहेंगे लोग मदद के लिए भी आगे आए? सब परिवार भाई मारे जमी बच्चे के हाथ में कटोरा दे गया, कुछ नहीं रहा मेरे बच्चे के पल्ला, सारी जमीन थी जान से बेच के बग गए था, रिश्तेदारों में तब भाईचारे में तो पैसे चुप कर भेजे थे भाई हमने, तो 4 महीने तो वहाँ काम नहीं मिला, उसके बाद अब वहाँ आ गया था काम पता, फिंगर थे उसके लिए आया था, 3 महीने काम पर लगे रहे, 3-4 महीने बस अभी मिला था उसको तो काम, अभी शुरू किया था काम कर, अभी किया था बस, महीनों आया था, उसके बाद उसके इंटरव्यू वो दिया था पेपर, उसके बाद भाई अपना फिंगर, उसके बाद देखेंगे भाई क्या होगा, अब लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखे था। देखिए आप समझ सकते हैं 30 से 40 लाख रुपए लगाकर वो गए थे, अपनी जमीन जो है उन्होंने सारी बेच दी, और 45 लाख टोटल लग गए थे पैसे, और जमीन भी चली गई, सब कुछ चला गया, लोगों का कर्ज अलग है अभी, हाँ अलग है जो। और बच्चे जो है वो बहुत छोटे हैं, महज जो है 4 साल 6 साल और 8 साल के बच्चे जो है बताए जा रहे हैं। ऐसे में आप ये भी समझ सकते हैं कि जो कमाने वाला उनके अलावा बस इनको ही नहीं है, घर आ रही है जी, बस 3 बच्चे हैं, बाकी कुछ नहीं, मामा अपने अपने घर के हैं जी, 3 बार। आप चाची हैं अशोक की चाची? इस बेटी में तो नहीं कहूँ, जाकर कुछ मदद करो। शादी भी जल्दी हो गई थी अशोक, 18 साल के की, 18 साल में शादी हो गई थी, 10 साल 11 माह लग गए ब्याह ना, 11 माह लगता मर तो साल ब्याह ना भी, कल एनिवर्सरी आ रहा है, 11 साल शादी को हुई है, उन्होंने दिन ब्याह तो हुई है, उन्होंने दिन 29 साल को होगा, 30 में लग गया था जी, 29 साल का हुआ है हमारा तो जिंदगी का यही सहारा था जी, यही चला गया, बड़ी मुश्किलों से पाला था जी हमने तो इसको,
आप समझ सकते हैं अशोक की तीन बहनें बताई जा रही हैं और तीनों के जो है वो इकलौते भाई थे, मम्मी पापा भी नहीं हैं, यानी कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनके दादा दादी भी नहीं हैं, सिर्फ चाची जो हैं वो ही परिवार है। और ऐसे में ये उनका घर है जहां पर हम पहुंचे हुए हैं, करनाल के बस्तली गाँव में। एक प्लेयर भी थे, खिलाड़ी भी थे अपने आप में, आप क्षति समझ सकते हैं। और फिलहाल परिवार के पास कुछ नहीं है क्योंकि ज़मीन बेच कर चले जाते हैं, कर्ज अलग था और डोंकी जैसे खतरनाक रास्ते से वो अमेरिका पहुंचे और एक दर्दनाक हादसे में उनकी जान चली जाती है। और कैथल का एक लड़का जो उसके उनके साथ बताया जा रहा है बुच्छी गांव का, उसकी जान जो है वो बच जाती है। और कहीं ना कहीं दोनों उस गाड़ी में थे जब ये हादसा हुआ। फिलहाल शव को वहां की मॉर्चरी हाउस में रखवाया है और अगर भारत लाया जाता है तो उसके लिए भी 30 से 40 लाख रुपये जो है वो खर्च आता है। आप समझ सकते हैं कि 30 से 40 लाख रुपये लाने के लिए भी चाहिए अभी अगर भारत शव लाया जाता है। करता ले आवागे हम इतने पैसे। बॉडी तो उसकी देखने के लायक नहीं रही, चेहरा उसका सब कुछ हो चुका है, बैंडेज हो चुका, कुछ नहीं सिर्फ बाजू थोड़ा बहुत दिख रहा है। उसके लिए हमने पूछा 60 लाख रुपए मांगे हैं बॉडी के लिए। ये मर ये इनका लड़का बड़ा ये पता नहीं क्या करेंगे, मेरे को तो कुछ नहीं पता। देखिए जो बॉडी है उसकी भी काफ़ी जो है बुरी हालत बताई जा रही है। और आपको जो है एक गूगल पे नंबर स्पेशली दिया जा रहा है ताकि आप बाहर रहते हैं, अगर विदेश में रहते हैं, NRI हैं तो आप मदद करने में सक्षम हैं। और करनाल के किसी भी गांव से आप वीडियो देख रहे हैं तो परिवार की मदद ज़रूर करें, ताकि परिवार आप समझ सकते हैं कि उनके लिए वो पूरा नहीं है लेकिन उनका कुछ ना कुछ उसमें गुजारा ज़रूर हो सकता है। बहुत छोटे बच्चे हैं अभी जो है, आप समझ सकते हैं उनकी समझ इतनी नहीं है कि शायद उन्हें ये भी ना पता हो कि उनकी जो है पापा की डेथ हो चुकी है। इन्होंने कुछ भी बेरा, ये तो खेलता फिरा गुड़िया, ये तो तड़के को तो फोन करा दे मेरे पापा, 5 बजे के तो ना 40 फोन कर लिए उस पर, कॉल पे बात करता था पापा, वीडियो कॉल पे बात करता था अपने पापा था। अब जन्मदिन आना था इसका, 1 महीने रह रहा जन्मदिन का जी, 5 तारीख का जन्मदिन दिसंबर का, 6 साल हो हम दोनों को इनके बच्चे को नहीं देखो बस और मार कुछ। तो फिलहाल आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर गांव की बात की जाए, गांव की आप समझ सकते हैं कि बस्तली गांव की ही बात की जाए तो 20 से 25 जो बच्चे हैं गांव के बाहर गए हुए, अगर हर कोई थोड़ी थोड़ी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत मदद हो सकती है। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि बस्तली गाँव की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी मातम का माहौल है। हालाँकि हर किसी से जो है मदद के लिए कहा जा रहा है। परिवार आप समझ सकते हैं 3 बच्चे और उनकी बीवी यहाँ पर जो है पीछे रह गई है और 1 साल पहले ही कुछ बताया जा रहा है कि वो गए, यानी कि 1 नवंबर को ही पहुंचे थे, अभी पूरा 1 साल 3 दिन हुए थे गए ना, तो 4 से 5 महीने तो कई बार डोंकी के रास्ते ही लग जाते हैं। लोकेशन लग गई थी उसकी वजह से काम भी नहीं कर पाया। ये भी जो है अशोक की बहनें हैं और क्योंकि माता पिता भी नहीं है तो आप लोग ही जो है उनको पाला वगैरह उनके साथ है। तो काफ़ी ज़्यादा जो परिवार है वो सदमे में है, उनकी हालत इतनी ज़्यादा नहीं है कि बातचीत की जाए। इसके साथ साथ फिर से अपील आप लोगों से सिर्फ यही है कि परिवार की मदद करें, आप गांव में भी पहुंच सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको गूगल पे नंबर दिया गया ताकि किसी भी तरीके से जो परिवार है उसकी मदद हो सके। छोटे छोटे बच्चे हैं अभी जो है, उनकी सिर्फ पढ़ाई जो है वो चल रही है और बहुत छोटे बच्चे हैं, यानी कि समझ जो है उनको नहीं है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये जो है दर्दनाक हादसा होता है और 1 साल ही हुआ है परिवार जो अशोक है वो वहाँ पर पहुँचे थे, अभी शायद अपने परिवार के ऊपर जो कर्ज है वो भी नहीं उतार पाए। आप ये समझ सकते हैं कि ज़मीन बेचकर और 30 से 40 लाख रुपये लगाकर जो है अशोक कैलिफोर्निया पहुँचे थे डोंकी के रास्ते, खतरनाक रास्ता है, उस रास्ते से निकल कर वो वहाँ पहुँचे थे। लेकिन फिलहाल गाँव के
कि आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग हों और परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर हैं, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आपको सर क्या जानकारी लगी वहाँ पर कि क्या हुआ और पुलिस क्या कार्रवाई वहाँ कर रही है। बस हमें 3 नवंबर को सवेरे जो हमारे इंडिया का 3 बजे है 3 नवंबर को हमें पता चला, एक इंटीमेशन आया उनके भाई भी वहाँ पर है उनके माध्यम से कि भी अशोक कुमार का कल मौके पे ही रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद बस सभी गांववासी सभी में बहुत ही बड़ी दुखद घटना है क्योंकि अशोक कुमार अपनी एज में सबसे छोटी उम्र के राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, स्टेट चैंपियनशिप उन्होंने 5-6 खेल लिया है, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में, तो अपनी उम्र में सबसे छोटे खिलाड़ी थे वो। उनके पिताजी लाल सिंह, उनके चाचा करम सिंह भी पहले इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं, तो बचपन से उनको कबड्डी का शौक था। तो हमें यही थी भी हम इसको भी खिलाड़ी नौकरी वगैरह मिल जाएगी। कृष्ण पहलवान इनके सगे चाचा के लड़के थे, ये भी इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं, तो इनको भी जॉब नहीं मिल पाई थी। तो ऐसे ही हम भी उन्हीं से यही कह रहे थे भाई चलो जैसा भी है, तो जॉब नहीं मिलने के कारण 10-12 साल खेल के अपना वो विदेश के लिए फिर कहने लगे भी जैसे सभी का बाहर का कोशिश है, बाहर बच्चे जाना चाहते हैं, लेकिन माता पिता काफ़ी समय पहले उनके गुजर गए थे। तो यही परिवार में अंजमन चलता रहा कि भी कहाँ पीछे कोई करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जिद की वजह से अपना ज़मीन का 1.5 एकड़ लगभग बेच के, जितना ज़मीन था वो सारी उन्होंने बेच दी थी, 1.5 एकड़ उनके हिस्से में था, वो बेच के अपना विदेश अभी 1 साल के लगभग वो पहुँच गए थे डोंकी के थ्रू। तो अभी तो बस स्थिति उनकी तकरीबन सामान्य हुई भी नहीं थी, जो कर्ज अभी वो खड़ा ही है सर के ऊपर। तो पीछे परिवार में उनकी पत्नी है, 2 अपने लड़के हैं छोटे छोटे, 1 गुड़िया है, 3 उनका बहने हैं। तो बहुत ही बड़े दर्दनाक हादसा है कि 3 बहने हैं, उनका भाई चला गया, माता पिता नहीं थे पहले, तो परिवार की बिल्कुल स्थिति एक बार ये दिखाओ, अशोक का घर है ये मौके पे आप दिखाओगे, ये स्थिति है मतलब बहुत ही नाजुक स्थिति से सभी में, बहुत बड़े दुख की बात है हमारे गांव के। पैसे लेकर वो गए थे और उस कर्ज को चुका पाए हैं अभी तक नहीं? अभी पहले तो काम ही नहीं मिला, पहले स्थितियां और थी विदेश में, लेकिन ये कि जिद है जैसे भी बच्चे बस जा रहे हैं अपनी होड़ में। तो अभी बस वो 3-4 महीने ही पहले लगभग वो सेट हुए थे, स्टोर पे लगे थे वो, तो अब कुछ हुई थी उनकी कंटिन्यू काम करने के लिए, तो कुछ पिछला कर्ज था भी उतारना, वही 6-7 लाख रुपये लगभग उन्होंने अभी तक टोटल कवर किया होगा। तो वही है बीच में भी एक नॉर्मल मतलब इंसान नहीं थे गांव की, एक हमारी करनाल की वो शान रहे हैं, उसके लिए बस अब तो हमारी यही आप लोगों के माध्यम से है भाई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो के उनका जो शरीर है उनकी बॉडी को यहाँ पर लेके और भारतीय रीति रिवाज के अनुसार उनका संस्कार किया जाए। और उसके लिए भी बहुत बड़ा अमाउंट 35-40 लाख रुपये की बड़ी अप्रोच के बाद मतलब यहाँ पर पहुँच पाते हैं। तो 30-35 लाख रुपये बताया गया, 30-35 से 40 लाख रुपये है वो भी वो, हाँ 1.5 एकड़ जमीन थी उनके हिस्से में, जो उनके हिस्से में आती थी वही वो अपनी सारी मतलब क्लियर साफ करके वो चले गए थे। ये कह सकते हैं कि बच्चों के लिए कुछ नहीं है? नहीं, कोई सहारा नहीं है किसी प्रकार का भी। तो यही इसी चीज़ के लिए गांव से भी तकरीबन सभी आदमी मिलजुल के सोच रहे हैं भी आगे इस परिवार का जो बचा हुआ है, बच्चे हैं छोटे छोटे, इनका पालन पोषण वगैरह कैसे रहे। पीछे से उनके भी चाचा था, वो कभी कोई सा रख लेता था बच्चों को, कभी कोई सा रख लेता, लेकिन कौन कितने दिन तक, ये स्थायी समाधान नहीं है, कौन कितने दिन तक इसको रख सकता है। तो उसी चीज़ के लिए बस सभी समाज से सभी बिरादरियों से भी ये था भी अशोक एक बस्तली गांव का नहीं बच्चा, वो पूरे करनाल हरियाणा का बच्चा था जिसने अपने मतलब एरिया का नाम कबड्डी के माध्यम से रोशन किया है। तो उसके लिए हम सभी प्रार्थना ये करेंगे भी सभी एक छोटे सा जिसके पास जैसा भी सहयोग होता है 100 रुपये से लेकर जितने जहाँ तक भी, हम किसी पे ये नहीं कहेंगे भी वो बढ़ चढ़ के नहीं, जिसकी जैसे भी आत्मा से सहयोग होता है वो अपने तन मन धन से एक बच्चे का शरीर है उसके गांव में आके और उसका जो 4 साल का बच्चा उसके माध्यम से उसका संस्कार होके हमारी भी थोड़ी सी आत्मा को ये खुशी मतलब तो नहीं कहूँगा अभी चल एक थोड़ा सही अभी मौके पर जैसे बच्चा है लास्ट टाइम में उसके गाँव में उसकी मतलब अस्थियाँ आ जाए उसके माध्यम से भी हम सभी को सांत्वना मिल जाए क्योंकि हमारे सामने वो खेलता था बच्चा। तो किसी प्रकार का उसका व्यवहार इतना अच्छा था तो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे देखोगे सभी ने अपनी डीपी मतलब लगा रखी है। गांव में ऐसा बच्चा मतलब तकरीबन बहुत कम मिलता है जो सभी से सभी बिरादरियों से मिलनसार हो। तो यही है अभी उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे भी इस बढ़ चढ़ के आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उस बच्चे के जो बचे हुए अपनी बॉडी है उसको लेके हम संस्कार 4 साल के बच्चे के थ्रू उसका करवाएँ।
तो बिल्कुल आपको ये भी बता दें कि जो है उनके माता पिता नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और साथ साथ मैं उन लोगों से खासकर अपील करूंगी जो लोग बाहर हैं, NRI हैं, और ऐसी दुख की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े होने का जो है कहीं ना कहीं ये मौका है, और आप जो है लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, और लगातार कई बार ऐसे हादसे जो हैं दूर विदेश में बैठे हमारे अपनों के साथ हो जाते हैं, और आप समझ सकते हैं कि परिवार पर क्या बीतती है। ये मकान बताया जा रहा है और काफ़ी हालत जर्जर है, हालाँकि जो परिवार के लोग हैं वही जो है उनके बच्चों को रखते हैं, क्योंकि माता पिता यानी उनके जो दादा दादी हैं बच्चों के वो भी नहीं। हालांकि आप कह सकते हैं कि एक बेहतरीन खिलाड़ी को भी जो है हमने खोया है करनाल के बस्तली गांव में। हमारे साथ पहलवान जी हैं, सर आप भी क्या कहते हैं, लगातार खिलाड़ी रहे हैं, और ये एक क्षति भी है कि वो खिलाड़ी थे और अब नहीं है। बहुत ज़्यादा गलत काम हुआ जी, बहुत ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर जो है शायद उन्हें यहाँ पर नौकरी मिल जाती तो वो बाहर ना जाते, ऐसा हो सकता है सर कि अगर नौकरी वगैरह उनको ही मिल जाती। बाहर भी किस चीज़ के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए ही बाहर जाते हैं। अगर यहाँ बच्चों को तकरीबन नौकरी मिल जाए तो विदेश में क्यों फिर बच्चा उस चीज़ के लिए जाएगा, क्योंकि बंदा यही चाहता है भी बस मेरा पालन पोषण से मैं अपने परिवार के पास रहूँ। तो परिवार के पास से बाहर जाने का बस यही तभी, कोई जॉब नहीं मिली अपने खेल का जो आपने उसने अपना दिखाया दमखम उसके बेस पे भी नहीं मिल पाए, तो तभी उसने लास्ट अपनी इच्छा को इसको जाहिर किया अभी यहाँ रह के मेरा पालन पोषण नहीं होगा, मेरा परिवार का कोई मैं सहारा नहीं बन पाऊँगा, तो गेम छोड़ के लास्ट एज पर उसने ये डिसीजन लिया। आप खुद भी सर कबड्डी के प्लेयर हैं और पूरे परिवार में बताया जा रहा है उनके पिता दादा भी इसी तरीके से जो है खेल में रहे हैं, फिलहाल अब बच्चे रहे हैं, आप क्या लगता है बच्चे इस तरफ जाएंगे, खिलाड़ी बनेंगे? नहीं, इस तरफ बच्चों को तो नहीं कहेंगे। कृष्ण पहलवान पाकिस्तान के खिलाफ खेले हुए, इनके चाचा जी करम सिंह, इनके खुद लाल सिंह जी, ये खिलाड़ियों का परिवार रहा है शुरू से, तो आज तक किसी को भी जॉब नहीं मिली। अगर पहले बुजुर्गों को कोई जॉब वगैरह कृष्ण जी को मिली होती तो हम बच्चों को प्रेरित कर सकते थे भी देखो ये है आपके सीनियर खिलाड़ी, इनको जॉब मिली है, तो इनको जॉब नहीं मिली उसने भी भला अपना कोशिश कर ली, तो इन्हीं को जॉब नहीं मिली तो नए बच्चों को हम क्यों कहेंगे भाई अपना समय बर्बाद करें। तो ये तो जिस प्रकार की भी सरकार की पॉलिसियां हैं उनके तहत नहीं नौकरी प्रोवाइड करेगी, तो उसमें हम यही कह सकते हैं भाई इसकी तरफ क्यों जाके जाए, अपना समय बर्बाद करने के सिवा इसमें कुछ नहीं है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, फिलहाल जो उनकी पत्नी है उनका भी काफ़ी ज़्यादा रो रो कर बुरा हाल है, और तमाम जो गांव के लोग हैं बस्तली गांव में इकट्ठा हैं। हालांकि आपको जो है नंबर और बैंक अकाउंट भी किसी तरीके से उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जो भी सहयोग करना चाहते हैं वो ज़रूर करें परिवार का। इस वक्त बस्तली गाँव में मौजूद हूँ और पूरे गाँव में अगर देखा जाए तो एक जो है मातम का माहौल है, क्योंकि बॉडी अभी भी आप समझ सकते हैं कि कैलिफोर्निया के मॉर्चरी हाउस में है, और वहाँ से लाने तक का भी बहुत ज़्यादा खर्च है, और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि परिवार अगर सामान्य नहीं है, नहीं ला सकता, तो वहीं पर जो है संस्कार भी करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं अशोक के, जो चाहते हैं एक बार फिर जो है वो अपने पिता को देख सकें और कहीं ना कहीं संस्कार कर सकें। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है अशोक का जो संस्कार है, अंतिम संस्कार है, वो हो सके। देखिए बहुत से बच्चे जो हैं विदेश जाते हैं, ऐसे में कई बार जब भयानक हादसे उनके साथ होते हैं तो आप लोगों से एक ही अपील की जाती है हर बार की तरह कि आप उन बच्चों के परिवार के साथ खड़े हैं, और जो भी लोग बाहर रहते हैं और जो भी लोग यहाँ रहते हैं सक्षम हैं, मदद कर सकते हैं, तो उन्हें इस दुख की घड़ी में आगे ज़रूर आना चाहिए। हम एक बार बातचीत कर लेंगे, सर कोई नंबर आप बता सकते हैं कि परिवार की मदद। हाँ, चाचा जी के लड़के का उनका नंबर है 94-160-69-194 में तेजिंदर सिंह के नाम से 94160-69194 94-160-69194 ये तेजिंदर सिंह के नाम से गूगल पे नंबर है, ये परिवार का ही नंबर है, तो जो भी सहायता पहुंचेगी ये डायरेक्ट परिवार के पास ही पहुंचेगी। तो यही हमारा एक ही मतलब नंबर है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं। सभी भाइयों से निवेदन यही है कि आपके माध्यम से जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको प्रचार कर सको, बढ़ा सको, जितना सहयोग हो सके परिवार के लिए, इस दुख की घड़ी में बहुत ज़्यादा सहारा बनेगा ये। नमस्ते। तो बिल्कुल इस नंबर पर जो है आप किसी भी तरीके से सहायता कर सकते हैं, और अगर आसपास के आप गांव के रहने वाले हैं या फिर आप USA कैलिफोर्निया में उनके आसपास रहते हैं तो आपको उनके आसपास ज़रूर जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक समय होता है जब विदेश में किसी को आपकी ज़रूरत हो, और अगर आप करनाल से हैं और करनाल की किसी भी गाँव से हैं, इस नंबर पर मदद ज़रूर करें। और आप लोगों से फिर से हाथ जोड़ के यही अपील है कि परिवार में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, और आजकल अगर बात की जाए तो बहुत
ज़्यादा हादसे ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि यूएसए में किसी की किसी भी कारण से मौत हो जाती है, और कई कई लाख रुपए लगाकर जो परिवार के बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं, अपनी ज़मीनें बेचकर बाहर जा रहे हैं ताकि वो अपने परिवार को कहीं ना कहीं अच्छे रोज़गार के माध्यम से उनको अच्छा जो है उनकी परवरिश कर सके, अपने बच्चों की परवरिश करें। लेकिन कई बार ऐसे हादसे जो हैं आप समझ सकते हैं कि उन सारे सपनों को ख़त्म कर देते हैं। फिर से अपील है कि इस पर मदद ज़रूर करें और परिवार की के लिए जो है आप लोग आगे ज़रूर आएँ। देखिए आप समझ सकते हैं कि यूएसए में अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक दर्दनाक हादसा हो जाता है और बहुत से बच्चे जो हैं बाहर जाते हैं। आप लोग भी कोई ना कोई परिवार का बच्चा बाहर होगा, ऐसे में सिर्फ एक गुजारिश है कि आप परिवार की मदद करें। और तीन छोटे छोटे बच्चे परिवार में हैं और एक जो है प्लेयर थे, खिलाड़ी थे अशोक, और यहाँ पर उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती है, जिसके बाद अपनी ज़मीन बेच कर, यानी कि बच्चों के लिए अब आप कह सकते हैं कि ज़मीन भी नहीं है, कोई साधन नहीं है, और उनकी पत्नी है आप देख सकते हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। आपकी अशोक से लास्ट कोई बात हुई थी, कुछ बताया था आना है उन्हें वापस, क्या करवा चौथ हुई थी, बस करवा चौथ पे लास्ट बात हुई है, परसों बैठे ना करी थी बात, परसों बैठे ना करी, बाहर था उस टाइम, लगता है कि इतना कर्जा लेके गए थे अभी तो वो भी नहीं उतरा ना, खेत भी नहीं लिया मारा तो, हाथ फूटी, सारी चीज दरी थी मार तो, बच्चे छोटे छोटे हैं बहुत छोटे, बोता तो खड़ा हो बाहर खेल लो, तो 6 साल का लड़का 9 साल की लड़की है, छोरी तो बुआ का एक, ये मामा का, हम तो रंदे भी कौन है, अब अपने घर रहते घर रहा पूरा, कौन था ये बाण था तो मेरे ननदा उसकी बाण सो की के किया एक बेटी, कुछ कर्ज भी है अभी ऊपर सारे ही नहीं, वो कोई मर पके आज देखिए, काफ़ी ज़्यादा जो है परिवार की हालत बुरी है और रो रो कर उनका बुरा हाल है। कुछ कहना चाहेंगे लोग मदद के लिए भी आगे आए, सब परिवार भाई मर जमी बच्चे के हाथ में कटोरा दे गया, कुछ नहीं रहे मेरे बच्चे के पल्ला, सारी जमीन थी जो सी बेच के बग गए था, रिश्तेदारों में तब भाईचारे में तो पैसे चुप कर भेजे थे भाई हमने, तो 4 महीने तो वहाँ काम नहीं मिला, उसके बाद अब वहाँ आ गया था काम पता, फिंगर थे उसके लिए आया था, 3 ही महीने काम पर लगे रहे, 3-4 महीने बस अभी मिला था उसको तो काम, अभी शुरू किया था काम को, अभी किया था बस मीनू आया था, उसके बाद उसके इंटरव्यू वो दिया था पेपर, उसके बाद भाई अपना फिंगर, उसके बाद देखेंगे भाई क्या होगा, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखे था। देखिए आप समझ सकते हैं 30 से 40 लाख रुपए लगाकर वो गए थे, अपनी ज़मीन जो है उन्होंने सारी बेच दी, और 45 लाख टोटल लग गए थे पैसे, और ज़मीन भी चली गई, सब कुछ चला गया, लोगों का कर्ज अलग है अभी, हाँ अलग है जो, और बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे हैं, महज जो है 4 साल 6 साल और 8 साल के बच्चे जो हैं बताए जा रहे हैं। ऐसे में आप ये भी समझ सकते हैं कि जो कमाने वाला उनके अलावा बस इनको ही नहीं है, घर वाली है जी, बस 3 बच्चे हैं, बाकी कुछ नहीं, मामा अपने अपने घर के हैं जी, 3 बार आप चाची हैं अशोक की, चाची इस बेटी में तो नहीं कहूँ, जाकर कुछ मदद करो, शादी भी जल्दी होगी थी अशोक, 18 साल के की 18 साल में शादी होगी, 10 साल 11 माह लग गए ब्याह ना, कल 11 माह लग गया मर तो साल ब्याह ना भी, बड़ी मुश्किलों से पाला था जी हमने तो इसको, आप समझ सकते हैं अशोक की 3 बहनें बताई जा रही हैं, और तीनों के जो है वो इकलौते भाई थे, मम्मी पापा भी नहीं हैं, यानी कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनके दादा दादी भी नहीं हैं, सिर्फ चाची जो हैं वो ही परिवार है, और ऐसे में ये उनका घर है जहां पर हम पहुंचे हुए हैं, करनाल के बस्तली गाँव में, एक प्लेयर भी थे, खिलाड़ी भी थे, अपने आप में आप क्षति समझ सकते हैं, और फिलहाल परिवार के पास कुछ नहीं है क्योंकि ज़मीन बेच कर चले जाते हैं, कर्ज अलग था, और डोंकी जैसे ख़तरनाक रास्ते से
वो अमेरिका पहुंचे और एक दर्दनाक हादसे में उनकी जान चली जाती है और कैथल का एक लड़का जो उसके उनके साथ बताया जा रहा है बुच्छी गांव का, उसकी जान जो है वो बच जाती है और कहीं ना कहीं दोनों उस गाड़ी में थे जब ये हादसा हुआ। फिलहाल शव को वहाँ की मॉर्चरी हाउस में रखवाया और अगर भारत लाया जाता है तो उसके लिए भी 30 से 40 लाख रुपये जो है वो खर्च आता है। आप समझ सकते हैं कि 30 से 40 लाख रुपये लाने के लिए भी चाहिए अभी अगर भारत शव लाया जाता है। करते बॉडी तो उसकी देखने के लायक नहीं रही, चेहरा उसका सब कुछ हो चुका है, बैंडेज हो चुका, कुछ नहीं सिर्फ बाजू थोड़ा बहुत दिख रहा है। उसके लिए हमने पूछा 60 लाख रुपए मांगे हैं बॉडी के लिए। ये मर ये इनका लड़का बड़ा ये पता नहीं क्या करेंगे, मेरे को तो कुछ नहीं पता। देखिए जो बॉडी है उसकी भी काफ़ी जो है बुरी हालत बताई जा रही है और आपको जो है एक गूगल पे नंबर स्पेशली दिया जा रहा है ताकि आप बाहर रहते हैं अगर विदेश में रहते हैं NRI हैं तो आप मदद करने में सक्षम हैं और करनाल के किसी भी गांव से आप वीडियो देख रहे हैं तो परिवार की मदद ज़रूर करें ताकि परिवार आप समझ सकते हैं कि उनके लिए वो पूरा नहीं है लेकिन उनका कुछ ना कुछ उसमें गुजारा ज़रूर हो सकता है। बहुत छोटे बच्चे हैं अभी जो है आप समझ सकते हैं उनकी समझ इतनी नहीं है कि शायद उन्हें ये भी ना पता हो कि उनकी जो है पापा की डेथ हो चुकी है। नहीं कुछ भी बेरा ये तो खेलता फिरा गुड़िया ने तो तड़के ने का फोन करा दे मेरे पापा 5 बजे के तो ना 40 फोन कर लिए उस पर कॉल पे बात करता था पापा वीडियो कॉल पे बात करता था अपने पापा तब जन्मदिन आना था इसका 1 महीना रह रहा जन्मदिन का जी 5 तारीख का जन्मदिन दिसंबर का 6 साल हो हम दोनों को इनके बच्चे को नहीं देखो बस और मार कुछ। तो फिलहाल आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर गांव की बात की जाए गांव की आप समझ सकते हैं कि बस्तली गांव की ही बात की जाए तो 20 से 25 जो बच्चे हैं गांव के बाहर गए हुए, अगर हर कोई थोड़ी थोड़ी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत मदद हो सकती है। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि बस्तली गाँव की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी मातम का माहौल है। हालाँकि हर किसी से जो है मदद के लिए कहा जा रहा है। परिवार आप समझ सकते हैं 3 बच्चे और उनकी बीवी यहाँ पर जो है पीछे रह गई है और 1 साल पहले ही कुछ बताया जा रहा है कि वो गए यानी कि 1 नवंबर को ही पहुंचे थे। अभी एक साल 3 दिन हुए थे गए ना तो 4 से 5 महीने तो कई बार डोंकी के रास्ते ही लग जाते हैं। लोकेशन लग गई थी उसकी वजह से काम भी नहीं कर पाया। ये भी जो है अशोक की बहनें हैं और क्योंकि माता पिता भी नहीं है तो आप लोग ही जो है उनको पाला वगैरह उनके साथ तो काफ़ी ज़्यादा जो परिवार है वो सदमे में है। उनकी हालत इतनी ज़्यादा नहीं है कि बातचीत की जाए। इसके साथ साथ फिर से अपील आप लोगों से सिर्फ यही है कि परिवार की मदद करें। आप गांव में भी पहुंच सकते हैं और इसके साथ साथ आपको गूगल पे नंबर दिया गया ताकि किसी भी तरीके से जो परिवार है उसकी मदद हो सके। छोटे छोटे बच्चे हैं अभी जो है उनकी सिर्फ पढ़ाई जो है वो चल रही है और बहुत छोटे बच्चे हैं यानी कि समझ जो है उनको नहीं है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये जो है दर्दनाक हादसा होता है और 1 साल ही हुआ है परिवार जो अशोक है वो वहाँ पर पहुँचे थे। अभी शायद अपने परिवार के ऊपर जो कर्ज है वो भी नहीं उतार पाए। फिर से अपील है इस वीडियो को आप शेयर करें। तस्वीरें करनाल के गाँव बस्तली से आपको दिखा रहे हैं। मैं आरती राणा से हो गया अमन गौर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।